वेलकम माई YouTube चैनल सरिता नेवी व्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी तरह हमारे व्लॉग में बने रहिए। देखो मेरी सरिता आ गई है ऊपर छत पे, सारे कपड़े धो लिए है और बारी बारी से के कपड़े सुखा रही है। काफ़ी सारा कपड़ा हमारे यहाँ, टाइम तो 1 से 1.30 बज गई है लगभग, और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हमारे यहाँ ना खूब सारे आज रोज खिले हुए हैं, तो आप सभी को ना रोज दिखाऊंगी मैं, बहुत सारे खिले हुए। आप लोग वीडियो पे बने रहिए ना, हम लोग कहीं जाने वाले भी हैं, तो देखते हैं कहाँ जाना होता है। मौसम बहुत अच्छा है, अंदर ठंडी लग रही थी, ऊपर धूप लग रही है, लेकिन मुझे इस धूप की ज़रूरत है क्योंकि ये जादू की तरह धूप धूप सेकना चाहती है। एक जो आप जानते हैं मूवी में जो एलियन था ना, वो जिसको धूप की ज़रूरत होती है, उसी इसी तरह इस सरिता को भी ना अभी धूप की ज़रूरत पड़ गई है। क्यों जब जनवरी आई तब पड़ रही है, सोच सकते हो। पूरा ठंडा झेल चुकी है, अब जब धूप का बढ़िया गर्मी आने वाला है ना, तब इसको ठंडी लग रहा है। उल्टा हो रहा है मेरे साथ, उल्टा सारा जमाना। कैसे जी, उल्टा चल रही हूँ क्या मैं? वही तो लग रहा है, उल्टा चल रही है। इतना ठंडी को आप काट लिए और अभी अब इतनी गर्मी तो ठंडी ही झेल नहीं पाएगी। तो ये देखिए मेरे शूज, जो बारात गया था तो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके थे, उसे मैंने वॉशिंग तो उसी में डाल देना ना। मेरे हस्बैंड को ना आप सब देखना डांस करते हुए, उनको बहुत शौक है कि आप सबको अपना डांस दिखाएं, तो दिखाएंगे है ना जी। मेरे हस्बैंड कैसे डांस करते हैं शादी में, वो सब देख के आप सबको बहुत हंसी आने वाली। अगर आपके साथ एक चीज़ बताना भूल गई, आओ इधर आकर मैं बातें करती हूँ। मेरे हस्बैंड ना थोड़े दिन से रखा ना, मेरे हस्बैंड जो है ना शादी में गए थे ना, तो उनको ना अपना शादी का सारा चीज़ ना क्या बोलते हैं जिसे माइंड में क्या हो रहा था, यादें आ रही थी बोल सकते हैं, मतलब पूरा चीज़ ना उसको याद आ रही थी अपने शादी का लाइन से। तो ना वो ना अपने शादी का ना डीपी डाले हैं अपने, जिस दिन से वो शादी पे गए थे ना उस दिन से ना डीपी उसका ना शादी वाला लगा है एकदम सहरा वहरा, मतलब शादी वाला ड्रेस पे ऐसे खड़े हैं। उसको रखे हैं वो तलवार पकड़ के, ऐसे पकड़ो क्या तलवार पे किया, ऐसे कैसे पकड़ो यार। हाँ तो वही यार, तो आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर सुंदर कितने प्यारे रोज़ खिले हुए हैं, और ये विंटर्स पे खिलते हैं, विंटर्स ख़त्म होने वाली है। मैं ना जब गई थी यहाँ से तो सारा को कटिंग करके गई थी, और आई तो इतनी सुंदर सुंदर फ्लावर्स पा रही हूँ, इसकी कलर कितनी खूबसूरत है। इसमें 3 बर्ड आई हुई है ये देख सकते हैं, और इसमें तो खूब सारी बर्ड आई हुई है। ये देसी रोज़ है, ये देखो यहाँ दिखा दो जी, खूब सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं, कौमे लोग काँव काँव करते हुए। ये भी यहाँ भी खिला है, ये यहाँ भी खिला है, ये तो बस हो गया। और ये देखो हमारा ये पवेलियन मिली, छोटा सा हार कितना अच्छा सा खिला है, और सबसे प्यारा ये देखिए, ये पिछले 4-5 दिन से खिला हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं गाइस ये देखिए। और ना ये 15 दिन रह लेते हैं, और ये देखिए हमारा इधर दिखा दो, फूलों सा चेहरा मेरा, आप तो नहीं गाओगे तो मैं ही अपने लिए गा ले रही हूँ। और खूब सारे दिखाओ, ये देखो इसको देखो मक्खी को कितना प्यारा से खिला हुआ है, और इस पर ना वो बन गई है बीज, तो इसे मैं तोड़ लूँगी और इसे ना सुखा लूँगी। ये देखिए इसमें भी रोज़ खिला हुआ है, इस साइड नहीं बना पाते ठीक से। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, ये देसी रोज़ है, और इसे ओ माई गॉड क्या खुशबू है, एकदम प्यारा ये इसकी कलर देखिए है ना। और रोज़ खिला हुआ है देखो, और रोज़ खिला हुआ हो हाँ आइए आइए, आप लाते जाइए ना, क्या तुम्हारे खूबसूरत लग रहा है ना ये रोज़, तो इसे भी बहुत टाइम हो गया, ये थोड़ा सा सूख गया, ताज़ी नहीं है, तो इसे मैं लगाने के लिए हाँ फोटोज ले दो खाने के लिए। फूलों सा चेहरा मेरा, अरे बहुत खूबसूरत, चलो चलना।
हम निकल पड़े हैं। ये देखिए, ये है मैनपुर का रास्ता। यहाँ ये ना रायपुर जाने वाली रास्ता है एक्चुअली, और हम निकल पड़े हैं। यहाँ बजरंग जी की मंदिर आती है, हनुमान जी की। तो आप सब भी प्रणाम कर लीजिए, जय श्री राम। ये देखिए छोटा सा मंदिर है, और इसे आते जाते हमेशा हम प्रणाम करके ही आते जाते हैं। और मौसम इतना अच्छा है, मस्त धूप है हल्की हल्की, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद घर से ऐसे निकल रही हूँ, तो रास्ता कितना खूबसूरत लगता है इधर का। और सुबह सुबह आओ तो इसमें पूरा बंदर लोग बैठे रहते हैं, बहुत मजा आता है। और कांच खोली तो ये देखिए हमारे कैसे सरसरा रही है, ये देखो बंदर। देखो बजरंग बली का नाम लिया और हमें एक बंदर दिख गया। लेकिन अफसोस आज मैं खाने के लिए इसके लिए कुछ नहीं लाई हूँ, आप सबको नहीं दिखा हुआ, क्योंकि हमारा कार जो है स्पीड पे था। बजरंग बली जी ने हमें दर्शन दे दिए हैं, और हम जा रहे थे दूर से, मेरे हस्बैंड देख लिए, मैं तो व्लॉग बना रही थी। ये देखिए, हेलो बोल दीजिए। हाय हेलो, कहाँ लेके चल रहे हो मेरे सैया जी? चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे कहीं भी। लॉन्ग ड्राइव ले चल ले चल। ये देखिए हम जा रहे, बहुत खूबसूरत मौसम है अभी इधर का, और कुछ ही दिनों बाद पतझड़ की मौसम आ जाएगी। जंगल पे जगह जगह आग से लग जाते हैं, और अभी हरियाली है थोड़ी बहुत। बंदर है इधर, सारे दिख रहे हैं अपने मगन में। वहाँ बहुत सारे, वहाँ पास रोकना है ना जी। ये देखो इतना सारा बैठा हुआ है, कांच को लगा दो ना, कूद उद के आ जाएगा अंदर, डर लगता है। हाँ बस 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 बस, बस। सबके सब डर रहे हैं। नहीं है मेरे पास कुछ देने को आप सबको, नहीं तो मैं देती। मस्त दिख रहे ना। चलो मैं आ गई हूँ इस साइड, जो हमारा फेवरेट प्लेस है, वहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड का समोसा से लेकर आ गए हैं। और हम लोग किस काम से गए थे? आधार कार्ड के नाम से गए थे। हमारा ना फ़ोटो अजीब सा था, मेरा, मेरे हस्बैंड का भी, दोनों का। तो मेरे हस्बैंड ना मेरे फ़ोटो को चेंज करवाए हैं, पहले साड़ी वाला था, अब सूट वाला करवाए हैं। तो अभी मैं दिखाऊँगी, जब मेरा आधार कार्ड आ जाएगा तभी दिखाऊँगी। और ये देखिए ढलती हुई सूरज, और हम समोसा को लाओ ना खाते हैं वहाँ पर, हाँ बैठने के लिए, तो बैठ के खाते मस्त आराम से। नहीं है ना, रखी थी एक बार मैं, नहीं है। ओ राम, यहाँ भी खा सकते हैं बैठ के, अच्छा तो है। ये देखो, हाँ ऐसे बैठ सकते हैं। समोसा मेरे फेवरेट है, मुझे लग गई है भूख, क्योंकि मैं ना 1 बजे की खाई हूँ आज, और मुझे जल्दी भूख लग गई तो मैं ली हूँ समोसा। स्टाइल रहता तो अच्छा बनता, ऐसे रख देते, और हम लोग खाते रहते हैं ना। समोसे दिखाओ, चटनी दिखाओ, अब इसमें लीजिए आप। 1-2 प्लेट है, एक और है ना, दो है इसमें। चटनी डालो ना, इसमें चटनी रखूं? सूरज की प्रकाश इतनी तेज आ रही है। कौन सी वाली? ये वाली। दोनों डालो, दोनों प्लेट पे। एक काम करो, समोसा इसी में रहने दो, चटनी डालो, चम्मच भी तो है, इसी के ऊपर रहने दे, डाल मत ना उसी पॉलीथीन में, रहने दे मजबूत रहेगा। चम्मच दो और उसको भी वैसे करो, मस्त गर्म है यार। तो अभी अभी निकला है ना, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। आओ नहीं दार। वो नहीं रहेगा ठीक से। टेस्ट है। ये वाला चटनी खाओ, ये वाला चटनी। कैसा वाला? ठीक है, चम्मच दो। ये तो आपके साथ है, एक नंबर है। बहुत मज़ा आया, क्रंची समोसा है।
टेस्ट बढ़िया। और ऐसे इस व्यू में आकर खाने का ना टेस्ट अलग बढ़ जाता है, मजा आ जाता है। मतलब खुले आसमान के नीचे और ये जंगल के पास करीब है ना। लीजिए आप सब भी लीजिए। घर में खाने का और बाहर में खाने का ना अलग ही स्वाद है। मतलब इसलिए तो बीच बीच में पिकनिक भी जाना जरूरी होता है। मस्त है टेस्ट। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, जो हस्बैंड वाइफ, वहाँ पे दो काले कौवे हस्बैंड वाइफ। जूम करके दिखाती हूँ। जूम नहीं हो रहा है, सॉरी। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है यार, जूम नहीं हो रहा है। तो हमारे कार का डिग्गी खुला है और वहाँ से ना वो दो काले कौवे जो लॉ बर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से खा रही है। देखो पॉलीथीन को उठा ली है वो। रुको ऐसे करके दिखाती हूँ ना आप सबको। ये देखो पॉलीथीन को उठा के ना वो कुछ खोज रही है, ढूंढ रही है। अरे यार हमको उसके लिए छोड़ देना था। छोटा छोटा जो समोसे के टुकड़े होते हैं ना उसे वो बहुत अच्छे से खा रही है और उसका ध्यान हमारी तरफ भी है। लगता है बहुत भूखी है, शायद इनके लिए हमें बचा लेना चाहिए। और एकदम डर डर के देखो कैसे मेरी तरफ देख रही है और डर डर के पॉलीथीन को ली। उसमें एक दो चने होंगे शायद, क्योंकि मैं जब उसे फेंकी थी तो उसमें चने थे। ये देखो लेकर उड़ के चली गई कि वो देखो उस पेड़ पे बैठ गई। मतलब जूम करके दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे बैठी हुई है वो। और एक यही है क्योंकि उसको तो मिल गए दो तीन चने, इसको अभी कुछ नहीं मिला है। तो जाओ आपकी आपकी जो वाइफ होगी या हस्बैंड होंगे वो शेयर करेंगे। ये भी उड़ के भगेगी क्या, क्योंकि उस पर छोटा छोटा होगा समोसे उसके दाने शायद। उड़ जा काले कावा तेरी मोरपन, क्या कहते हैं आगे में। उड़ गया वो, कहाँ जाएगी वो, किधर चली गई, चली गई। आप लोग हमारी तरह दो जोड़े आए थे कौवे कौवी का, और वो गई नहीं है, उड़ के वहीं बैठी है। ये देखो दिख रहा है आपको, वो देखो दूर, मतलब इस साइड मेरे हाथ के सीधे पे एरो का निशान करूँगी तो आप सबको दिखेगा। और वो बहुत अच्छे से खा रही है, लगता है पॉलीथिन को घूस घूस के खा रही है अंदर से, है ना। और देखो उड़ गई, मतलब बाइक की आवाज़ सुनते ही ना फिर से उड़ गई। तो खाली है समोसा और समोसे के चटनी का चना काँव काँव कर रही है। अभी सभी पक्षी का ना अपने अपने घर जाने का टाइम हो गया। गई हूँ घूम कर घर, और घर पे हम लोग आते समय ना चिकन लेकर आए। इंडक्शन पे मैं बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी के लिए गर्मा गर्म चाय, ब्लैक चाय बना रही हूँ, ब्लैक टी। और यहाँ पे हमारा चिकन बन रहा है। आते आते हम चिकन लिए हैं, तो बस वही चिकन बना रही हूँ। पिछले तीन दिन से बिल्कुल खाली हूँ, केक का ऑर्डर नहीं आ रहा है। गाँव साहब में बहुत केक का ऑर्डर आते हैं, अब जब घर पे हूँ केक का ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। मुझे डिसअपॉइंट हो रही है क्योंकि हम लोगों ने घूमने जाने का प्लान था पूरी जाने का उधर से ही, लेकिन केक का ऑर्डर इतना आ रहा था, वो भी बड़ा बड़ा केक का आ रहा था, 2 पाउंड 3 पाउंड 2 लेयर 3 लेयर ऐसा वाला आ रहा था पता है। तो फिर ना मैं छोड़ कर आ गई, चलो बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं करके। लेकिन जब घर आई हूँ तो 2 ही केक का ऑर्डर्स आए हैं अब तक का, और मुझे आए हुए 5-6 दिन हो गए हैं। और अभी देखो बिल्कुल खाली हूँ यार, कोई तो मुझे ऑर्डर्स दो। आप सबके लिए इतनी दूर से आई हूँ मैं, क्या कर रहे हो आप सब। ये देखो हमारा चिकन, देखो यहाँ रखती हूँ मोबाइल को। तो ना मैं अभी ला हम लोग घूमने गए थे तो लाए हैं चिकन। चिकन रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर थे जो बोले थे मुझे ना रोस्ट वाला चिकन बनाकर दिखाइए दी ऐसे करके, तो अभी तक उनको नहीं बनाई। मेरे चाय में भी उबाल आ गई है, थोड़ा सा बर्तन साफ भी करना है। मेरे हस्बैंड जी भी बाहर होंगे। हम लोग अभी बज रहे हैं 5:30 6 बजने वाले हैं, तो देख लेती हूँ अभी बजने वाले हैं, बस 7 मिनट कम है 6 बजे मैं ना अपना सब्जी बनानी, चावल नहीं बनाऊंगी, चावल ठंडी हो जाएगी और सब्जी को हम गर्म भी कर सकते हैं, तो मैं सब्जी बना कर रख देती हूँ, चावल बाद में बनाऊंगी। आप सबको व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और चैनल को।